कि मैं तो पहली बार बिलासपुर एम्स में आया हूँ और मुझे लगता है कि जितने कम समय में यह तैयार हो गया है और सुविधाओं की दृष्टि से इस इलाके हम अंदर जा कर के लोगों से मरीजों से बात की है, इक्विपमेंट्स भी बेहतर हैं और मरीजों को जो सुविधा चाहिए उनके बताए अनुसार उन्होंने बताया कि नहीं यहाँ आते ही मुझे सुविधा मिल जाए। इस तरह मैं सेटिस्फाई ट्री स्थिति में हूँ पूरी तौर पर कि यहाँ पर जो एम्स के अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, वह निश्चित रूप से वह लग कर करके अपनी सेवा में जुटे हैं और लोगों को सुविधा दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश जैसे स्थान पर भारत सरकार ने जो ये सुविधा दिया है, मैं अभी आ रहा था तो देखा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही इसका लोकार्पण किया है, तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं तो एक राज्यपाल के नाते प्रधानमंत्री जी को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस स्थान पर एम्स को स्थापित कर करके उन्होंने बहुत उपयुक्त काम किया है और मरीजों को उसकी पूरी की पूरी सुविधा मिल रही है। सर, आप गोरखपुर से आते हैं, रुद्रपुर से, और तीन बार केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। आज केंद्र सरकार का 9 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, क्या कहना चाहेंगे सर? केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है और अभी जो विदेश में भी गए थे तो प्रधानमंत्री का स्ट्रक्चर इतना बड़ा हो गया है कि उस स्ट्रक्चर के आधार पर ये कहा जा सकता है कि भारत को अपने आप वह सम्मान मिलता चला जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अपने स्ट्रक्चर का ध्यान न देते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, यह 140 करोड़ लोगों के प्रताप का फल है कि मुझे मिला है। तो इस नाते मैं समझता हूँ कि सरकार पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ कि मैं एक संवैधानिक पद पर हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए जरूर ये कह सकता हूँ कि भारत को एक योग्य प्रधानमंत्री मिला है जिसकी प्रतिभा के आधार पर भारत दिन प्रतिदिन उन्नत कर रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।